स्टोर लेजर में ये मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल का एक पार्ट है। मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल वाला जो चैप्टर था ना, जिसमें ईओक्यू रीऑर्डर लेवल हम लोग पढ़ा था, राइट। ये इन्वेंट्री चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम लोगों ने कवर किया था पहले। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में है। स्टोर लेजर के वर्ड से ही समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल, अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल ऑन अ डेली बेसिस वेयर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड, राइट। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम का, इफ आई टॉक अबाउट इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, द वर्ड इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम में दो टाइप का इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम होता है। एक होता है पीरियोडिक, एक होता है परपेचुअल। पीरियोडिक में हम लोग फिजिकल काउंटिंग ऑफ गुड्स करते हैं, मतलब गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन अ डेली बेसिस। इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन अ डेली बेसिस। गोडाउन में जो भी स्टॉक पड़ा रहेगा वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसका मतलब इस वाले सिस्टम में इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर कोई नौकर तुम्हारा गोडाउन से माल साफ कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो तुम उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेस इट। सो इन ऑर्डर टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द इन्वेंट्री, मतलब स्टोर, यू गो फॉर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल रिकॉर्डिंग में क्या होता है, इसको अपने कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग भी बोलते हैं। इसमें इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ डेली बेसिस। यहां पर गुड्स का कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, सब रिकॉर्ड होता है डेली बेसिस पे। एंड द लेजर विच वी प्रिपेयर इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन अ डेली बेसिस, उसी को हम लोग स्टोर लेजर बोलते हैं। तो स्टोर लेजर एक ऐसा फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ डेली बेसिस। यही हमने आपको स्टार्ट किया था यहीं से। तो स्टोर लेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। यहां पर एक खासियत क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी टाइट। इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी टाइट। ज्वेलरी शॉप जहां पे डेली बेसिस पे बुक स्टॉक के साथ में वो लोग फिजिकल स्टॉक को मिलाता है, दे फॉलो परपेचुअल। ज्वेलरी वाला लोग कभी भी पीरियोडिक फॉलो नहीं कर सकता। हाई वैल्यूड आइटम्स है, दे ऑलवेज गो फॉर परपेचुअल रिकॉर्डिंग। जहां पे वो लोग जैसे ही गुड्स आते हैं वो लोग बुक्स में रिकॉर्ड करता है, जैसे सेल होगा उसको आउटफ्लो दिखाएगा। तो बुक में एक स्टॉक दिखाता है, उसको वो लोग डेली बेसिस पे फिजिकली वेरीफाई करता है गोडाउन में। देखना अगर किसी भी ज्वेलरी शॉप का 7 बजे क्लोजिंग टाइम है, यू गो एट 6:45, दे स्टार्ट काउंटिंग गुड्स। हर डब्बा में वो लोग चेक करता है। जैसे मान लो उनका उनका सेल्स वाउचर तो दिखा रहा होगा ना,
आज 10 अंगूठी बिका, 2 नेकलेस बिका, 3 ब्रेसलेट बिका, 4 चेन बिका, ऐसे करके वो लोग का दिखा रहा है। हर बॉक्स वो लोग चेक करता है। सो परपेचुअल मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, जहां पे इनफ्लो आउटफ्लो गुड्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ डेली बेसिस। तो ये मेरा बुक स्टॉक आएगा, इस बुक स्टॉक को हम गोडाउन में फिजिकली काउंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा चोरी हुआ है कि नहीं। तो यहां पे इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी टाइट। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इट मींस दैट हैज बीन स्टोलन बाय योर एम्प्लॉई। और कोई चांस, तुम खुद का दुकान में तो कुछ चोरी करेगा नहीं। यस और नो? तो स्टोर लेजर एक ऐसा फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे हम लोग डेली बेसिस पे इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? पेज नंबर 2 क्वांटिटी एंड प्राइस इज रिकॉर्डेड, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स के साथ साथ उसका क्या परचेज प्राइस है, राइट? जो गुड्स यूज हुआ उसका कॉस्ट क्या है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सब कुछ तुमको इस स्टोर लेजर से पता चल जाएगा। राइट? तो स्टोर लेजर में क्वांटिटी का भी डिटेल मिलेगा और प्राइस का भी डिटेल मिलेगा। इसका मतलब यहां से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना बहुत इजी है एंड उसको हम लोग फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं बाय डूइंग फिजिकल काउंटिंग। हालांकि ये सिस्टम थोड़ा कॉस्टली है पीरियोडिक से, क्योंकि पीरियोडिक में गिनती करने वाला आदमी भी अगर रहेगा तो आराम से बता देगा बाबू 10 बचा हुआ है, लेकिन इसमें से अकाउंटिंग करने वाला बात है ना। जैसे परचेज वाउचर आएगा उसको स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करेगा, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन आएगा कि हमको मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो वो इश्यू किया तो संगे संग स्टोर लेजर में आउटफ्लो दिखाएगा। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज योर क्लोजिंग स्टॉक। प्राइस भी रिकॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब जो बचेगा उसका वैल्यू भी फाउंड आउट कर पाएगा तुम, राइट? अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है, हम लोग जो परचेस करते हैं, हम लोग पढ़े हैं मेटेरियल चैप्टर में, एक बार में तो करते नहीं है। डू यू परचेस एट वन गो? नहीं, ईओक्यू का फॉर्मूला में बैठाते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है, उसी का ऑर्डर प्लेस करते, वही हमको सप्लायर डिलीवर देता है हर बार, राइट? फर्दर ईओक्यू मॉडल अज्यूम्स दैट परचेस प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, बट हम लोग इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट में रहते हैं, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है हमारा। मान लो तो हमारे ईओक्यू आया 2000, तो आज भाव है 4 रुपया, अगला बार जब ऑर्डर किया हो सकता है 4 रुपया 10 पैसा हो जाए, फिर अगला बार ऑर्डर किया हो सकता है 4 रुपया 15 पैसा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है अगला बार ऑर्डर करे 3 रुपया 90 पैसा हो जाए, राइट? सो वी व्हेनेवर वी परचेज इन लॉट्स, एंड ऐसा जरूरी नहीं है हर परचेजेस का परचेज प्राइस विल बी सेम, प्राइस पर यूनिट में डिफर, राइट? तो जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला लोग रिक्विजिशन भेजेगा कि हमको मटेरियल भेजो, तो हम उसको भेजेंगे, तो वो जो आउटफ्लो ऑफ गुड्स जो हो रहा है वो कौन सा वाला लॉट से हो रहा है? आज हम 100 खरीदा 2 रुपया में, फिर हम और 200 खरीदा 2 रुपया 10 पैसा में, फिर हम और 200 खरीदा 2 रुपया 15 पैसा में, सब तो अलग अलग रखना पॉसिबल नहीं है, वहीं पे सब गोडाउन में एक जगह ही रखा हुआ है। अब टोटल हो गया 100 200 200 500 हो गया मेरे पास, यस और नो? 100 200 200 500 हो गया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला लोग रिक्विजिशन दिया कि हमको 250 चाहिए, तो उसको हम 250 सप्लाई करेंगे, 500 इनफ्लो था एट डिफरेंट परचेस प्राइसेस, 250 आउटफ्लो हुआ। नाउ ये आउटफ्लो कौन सा वाला मानोगे? सर जो पहले आया होगा उसको पहले इश्यू करेंगे, उसको पहले यूज करेंगे। इट इज इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर कीपिंग डिफरेंट लॉट्स इन योर गोडाउन।
ये पहला वाला आया हुआ है, पहला सौ है, ये दूसरा सौ, ये तीसरा सौ, इस तरीके से, तो उतना बड़ा जगह तो है नहीं हमारे पास में। हम क्या करते, एक के ऊपर में एक, एक के ऊपर में एक। हर दुकानदार अपना अलग अलग पॉलिसी फॉलो करता है। तो देर आर वेरियस अकाउंटिंग assumptions वी हैव टू टेक। क्या लेना पड़ेगा, वेरियस अकाउंटिंग assumptions वी हैव टू टेक, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। ये चार तरह का अकाउंटिंग assumption है। फीफो मानता है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि जो पहले आया वो पहले यूज हो गया। लीफो बोलता है नहीं, जो अभी आया वो यूज हुआ है पहले, राइट? सो इस तरीके से वैल्यूएशन किया जाएगा। अगर हम एक ही बार में पूरा खरीद लेते तो झमेला ही नहीं है, उसी में से इश्यू कर रहे, जो भी बचा हुआ है उसी में से बचा हुआ है। इजी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, बट अपने तो ऐसा करते नहीं, अपने मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल में पड़े हैं। वी फाइंड आउट ईओक्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईओक्यू एवरी टाइम वी प्लेस ऑर्डर। तो एवरी टाइम व्हेन यू परचेज इट इज नॉट नेसेसरी, द मॉडल अज्यूम्स, ईओक्यू मॉडल अज्यूम करता है कि परचेस प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट प्रैक्टिकली परचेस प्राइस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। चार रुपया दस पैसा ऊपर नीचे, बीस पैसा ऊपर नीचे चलता है भाव। सो इन दैट केस, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यू नीड टू फाइंड आउट कि जो तुमने यूज किया, इश्यू किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो कौन सा वाला था, बिकॉज रिमेनिंग विल बी योर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट? आइए आप लोग पेज नंबर 30 निकालिए, हम लोग बनाएंगे स्टोर लेजर तो आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 30 में एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है प्रिपेयर स्टोर लेजर। राइट, अकाउंटिंग assumptions क्या क्या है? पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोलते हैं फीफो। दूसरा लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोलेंगे लीफो। सिंपल एवरेज, ठीक है? तो व्हेनेवर यू आर इश्यूइंग गुड्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपको ये सारे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा वाला एक्चुअल में आई हैव इश्यूड। आज हमने 100 खरीदा, फिर यहीं पे हमने 200 रख दिया और जो खरीदा था, फिर हमने और यहीं पे हम लोग 200 और रख दिया। अब जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या भेजा, पीडी सेंट रिक्विजिशन कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम इसको इश्यू करेंगे यहीं से। अब बताओ यहां से कौन सा वाला इश्यू हुआ है? तीन बार तुम खरीदा, पहले 100 खरीदा, फिर 200 खरीदा, फिर 200 खरीदा, टोटल 500 है, बताओ तो कौन सा वाला इश्यू किया? ये बताना तभी भी तब संभव होता जब तुम ऐसे 100 यहां रखता, फिर तुम 200 यहां रखता, फिर तुम 200 यहां रखता, तब तुमको पता चलता हाँ ओके ये यहां वाला चला गया और यहां से 150 चला गया, यहां से 100 चला गया, यहां से 150 चला गया। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्मॉल वैल्यूड आइटम्स में कभी भी ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो नहीं होता है। हाई वैल्यूड आइटम्स जो होता है ना, जस्ट जब एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, राइट? सो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है हाई वैल्यूड आइटम्स, उसमें आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो कर सकते हैं। स्मॉल वैल्यूड आइटम्स में आप कभी भी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो नहीं करते हैं। आप एक के ऊपर में एक लाद के रखते हैं, यहीं से आप इशू करते जाते हैं। तो बताओ इसमें 100 कौन सा वाला इशू हुआ है? नाना पाटेकर का वो पिक्चर देखें,
है, कौन सा बताओ, हिंदू का खून मुसलमान का खून सब एक ही है, दोनों को मिला देता है, बोलता है बता इसमें से हिंदू का कौन सा मुसलमान का कौन सा, बता पाता है? नहीं। यहां पर भी वही है, तो हमको गॉड का मदद लेना पड़ता है। गॉड बोलता है ओके फाइन, अज्यूम कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो ये अकाउंटिंग एजम्पशंस हमको लेने पड़ते हैं। अगर हमने अलग अलग लॉट को अलग अलग जगह में रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, बट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज टू कॉस्टली। ये वन एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, राइजिंग प्राइस, डिक्रीजिंग प्राइस, उस हिसाब से भी हम लोगों को ये मेथड्स फॉलो करना पड़ सकता है। आप आज कम प्रॉफिट दिखाना चाहेंगे कि फ्यूचर में? आज लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, लोअर प्रॉफिट टुडे, हायर प्रॉफिट टुमारो। अब मेरे को बात बताइए, आप दाम ऐसे बढ़ रहा है, ₹2, ₹2.10, ₹2.20, ₹2.30 ऐसे बढ़ रहा है, तो राइजिंग प्राइस है ना, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो गया, प्राइसेस आर राइजिंग। बताओ इस राइजिंग प्राइस में अगर हम पहले फीफो फॉलो करते हैं, सेलिंग प्राइस हमारा मान लेते हैं ₹5 है या ₹4 है, अगर हम फीफो फॉलो करते हैं, फीफो, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये वाला बिकेगा, ये वाला बिकेगा, ये वाला बिकेगा, है ना? तो ₹4 का गैप है, तो प्रैक्टिकली बताओ अगर हम यहां पे फीफो फॉलो करते हैं तो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग? इफ आई एम फॉलोइंग फीफो आउट हियर तो होगा क्या, आई एम शोइंग हायर प्रॉफिट्स टुडे, इन दैट केस ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो आई विल शो लोअर प्रॉफिट्स टुमारो। ये वाला पहले बेचेंगे ना फीफो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सब सोल्ड, मतलब एज कंपेयर टू टुमारो हाई प्रॉफिट्स टुडे, एंड ये क्लोजिंग स्टॉक में आया ये लो प्रॉफिट्स टुमारो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में ये तुम्हारा स्टॉक होना चाहिए और ये ऊपर वाला बिकना चाहिए, ऊपर के भाव वाला माल, तो ये नीचे वाला बचना चाहिए, ऊपर वाला बिकना चाहिए, तो वो कौन सा अजम्पशन लेने से होगा ऐसा? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऊपर वाला बेच देगा, नीचे वाला को छोड़ देगा। तो आज कम प्रॉफिट दिखाया, बाद में ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे, चलेगा। ज्यादा दिखा के कम करने में दिक्कत है। Are you getting my point? तो कौन सा assumption follow करना है ये depend करेगा situation to situation। अब मान लेते भाव ऐसा है, ज्यादा fluctuations नहीं है, simple average, ऐसा है वेटेड एवरेज, तो ये तो प्रैक्टिकल सिनेरियो देख के ही समझ में आएगा ना, बट एग्जाम में अपने को क्या करना है, अपने को जो बोलेगा अपने को वही फॉलो करना है। समझ
समझ में आया मेरा बात? हाँ आइए, तो अपने को स्टोर लेजर बनाने बोला, हम तुम लोग को बना के दिखा रहे हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? चारों मेथड से बना के हम दिखा रहे हैं। ये पेन नहीं चल रहा है, देखो कौन है बोले सर क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको फीफो के हिसाब से करके दिखा रहे हैं। राइट, कौन है? राइट, वन वन 2005, एक एक 2005, परचेस किया है 100 यूनिट। एक एक 2005 को कितना खरीदा है? 100 यूनिट खरीदा है।
तीन रुपया करके 300 है ना, इशू कुछ है ही नहीं। सामने देखो बेटा, सामने देखो, हम पढ़ा रहे हैं, इधर देखो सामने, समझ में आएगा। सौ यूनिट बच गया है, तीन करके 300, दो तारीख को 200 खरीदा, चार करके 800, इशू कुछ भी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 100 पहले का, अभी का 200, मिला के हो गया 300, ठीक है। गोडाउन में सब इकट्ठा रखा हुआ है, जहां 100 था वहीं 200 रख दिए। तीन चार 300, 800, 1100, 3 1 5 में इश्यू हुआ है 250, एजम्पशन लेना पड़ेगा ना फीफो का, फीफो का एजम्पशन लेना पड़ेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इश्यू ये 100 से भी हो सकता है, ये 200 से भी हो सकता है पहले, लेकिन अपने क्या मानेंगे, 100 वाला पहले इश्यू हुआ है, 100 वाला पहले हुआ है, तो बाकी 150 नीचे वाला से हुआ है, तब जाके ना 250 होगा। 100 वाला का भाव था 3 करके, इसका था 4 करके, तो इसमें 300 चला गया, 150 इंटू 4 में 600 चला गया, तो 900 यूज हो गया, तो जो बचा है वो नीचे वाला 50 का 4 रुपया करके 200 इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 250 यूज हुआ है, माना जाएगा कि पहले ये 100 यूज हुआ है पहले वाला, तो बचा 150 और चाहिए, तो नीचे वाला से ले लिया, तो 100 150 250 हो गया ना, इसका 3 इसका 4, चार तारीख को, वापस से 200 खरीदा है, 5 रुपया भाव लगा, 1000 रुपया, तो 50 पहले से था, 200 अभी खरीदा, हो गया 250, इसका 4 रुपया भाव था, इसका 5, 200 और इसका 1000 मिला के हो गया 1200। फिर इश्यू हुआ है 200, अगेन वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
तो ऊपर वाला 50 यूज होगा, फिर नीचे से बाकी 150, 4 और 5, 200 और 750, 950, तो नीचे वाला 50, 5, 250। सो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया। डन। फीफो का दूसरा तरीका से एग्जाम में बोलेगा वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एज पर लेटेस्ट प्राइसेस। लेटेस्ट प्राइसेस मतलब अभी वाला जो दाम है उसमें क्लोजिंग स्टॉक को दिखाओ। तो फीफो में भी तो वही होता है, अभी जो दाम प्रिवेल कर रहा है उस दाम पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है। डन। इज इट फाइन? अब हम लोग करेंगे लेबर, सॉरी लेबर बोल रहे हैं, लीफो। आप लोग अपना अपना फॉर्मेट बनाइए। पहला दो ट्रांजैक्शन तो सेम आएगा, परचेज का है उसमें तो इश्यू आया ही नहीं ना अभी तक। कॉपी करिए,
डन। अब आइए, अब इश्यू करना है अपन को लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो नीचे वाला 200 जाएगा पहले, नीचे वाला 200 पहले जाएगा और ऊपर वाला में से 50 जाएगा, हो गया 250। लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट हो गया, लेकिन टोटल में 250 यूज हुआ है, तो ऊपर वाला में से और 50 लेना पड़ेगा। तो नीचे वाला का भाव था 4, ऊपर वाले का था 3, 800 150 950 चला गया, तो ऊपर वाला का 50 3 150 बाकी है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यस और नो? तो जो लास्ट इन था वो फर्स्ट आउट हो गया। चार एक पांच, 205 हजार, तो 50 पहले का, 200 अभी आया, 250, 3 5, 150 और 1000, 1150। 515 को वापस से 200 इशू हुआ है, तो लास्ट इन में 200 है, तो यही पूरा 200 चला जाएगा, 5 करके 1000, तो ऊपर वाला 53150। अगर कॉमोडिटी पेरिशेबल नेचर का है तो आप लीफो कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन में डिफरेंट अकाउंटिंग अजम्पशंस यू हैव टू टेक। राइट, हो गया। अब हम लोग करेंगे सिंपल एवरेज। सौ, 300। इसमें रेट नहीं लिखते बैलेंस का,
आगे आगे बैठो। 204,800 अगला परचेस। तो 100 देखो क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ, वैल्यू को वैल्यू के साथ। 100 का दाम 100 प्लस 200 300 हो गया, 300 और 800 हो गया 1100। ढाई सौ गया है ना। अभी 250 का भाव क्या लेंगे? सिंपल एवरेज। क्या क्या लॉट में खरीदा हुआ है? 3 पर यूनिट और 4 पर यूनिट। पर यूनिट वाला एवरेज 3 और 4 का एवरेज होगा 3.5। जो जो लॉट्स तुम्हारे पास प्रिवेल कर रहा है, वॉट एवर लॉट्स इज प्रिवेलिंग, उसका एवरेज ले लो। 3 और 4 का एवरेज होगा 3.5। 3 होता इसके ऊपर, इस इश्यू के ऊपर में 3 होता तो तीनों का लेते। तो 250 × 3.5 कितना हुआ? 875। अब ध्यान दो, 300 − 250 हुआ कितना? 50। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंसिंग फिगर आता है। और 1100 − 875 225। जो प्रीवियस बैलेंस था उसमें से इश्यू माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 300 से 250 गया बचा 50, 1100 से 875 गया 225। 4 तारीख को वापस से 200 खरीदा 5 रुपया करके 1000। तो 250 और प्रीवियस बैलेंस में अब ऐड होगा 250, 225 के साथ 1000 ऐड किया 1225। अब 200 वापस इश्यू हुआ है, बताओ। अब 3 परचेज है इसके ऊपर में, लेकिन पहले वाला बहुत पुराना है, वो ऑलरेडी यूज्ड अप हो चुका है। सर आपको कैसे पता? सिंपल एवरेज में क्वांटिटी का कैलकुलेशन ना फीफो से होता है, क्वांटिटी वाला। 250 जब पहले इश्यू हुआ था तो उसमें ये 100 एग्जॉस्ट हो चुका है, तो जो लॉट प्रिवेल ही नहीं करता उसका प्राइस कैसे प्रिवेल कर सकता है? अब तो तुम बोलेगा पिछला साल जो खरीदे थे वो प्राइस को भी ले लो, उसका पिछला साल जो उसको भी ले लो, एवरेज ही तो करना है। नहीं, हमेशा देखेंगे कि कौन कौन सा क्वांटिटी एग्जॉस्ट हो गया। ये 100 इसमें है, एग्जॉस्ट हो गया ये, तो 4 और 5 प्रिवेल कर रहा है अभी रिसेंटली, तो 4 और 5 का एवरेज 4.5। तो 200 × 4.5 कितना होता है? 900। प्रीवियस बैलेंस माइनस इशू 50, प्रीवियस वैल्यू माइनस इशू वैल्यू 325। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। Is it fine?
Done. अब करेंगे हम लोग वेटेड एवरेज. सौ खरीदा, तीन करके 300. तो 100 और 200 हो गया 300 क्वांटिटी, 300 और 800 हो गया 1100. ढाई सौ इश्यू हुआ है. भाव क्या लगेगा? वेटेड एवरेज टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी करके जो एवरेज होगा दैट विल बी द प्राइस पर यूनिट. तो हमेशा प्रीवियस बैलेंस चेक करना. 1100 टोटल कॉस्ट है, टोटल क्वांटिटी 300. 3.67 ले लो, राउंड ऑफ कर लो, नहीं तो 3.666 कितना लेंगे. टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है? 917 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 918 ले लो. तो 300 से 250 गया, बचा 50. और 1100 से 919 चला गया, बचा 182. टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी विल गिव मी वेटेड एवरेज प्राइस वैप. टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी विल गिव मी वेटेड एवरेज प्राइस. चार एक को वापस से 200, 5000. फिफ्टी प्लस 200 इज 182 प्लस 1100, 182 प्लस 1000 राइट.
So 1182 divided by पिछला बैलेंस, उससे एवरेज आएगा, जो बैलेंस बचा उसी का एवरेज निकालो. 1182 कॉस्ट है 250 यूनिट का, तो 946. इसका और इसका एवरेज आया है यहां पे, इसका और इसका एवरेज आया है. तो 250 से 200 चला गया, बचा 50. 1182 से 946 चला गया 236. सो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, इज इट फाइन?